से सवाल करने वाले हैं कॉमन सेंस के। काफी सवाल कुछ इस तरह से है, अगर एक गधी है उसके दो बच्चे हैं, सही है। एक का नाम है अपन और दूसरे का नाम है खपन। एक का नाम है अपन और दूसरे का नाम है एक का नाम अपन है और दूसरे का नाम है खपन, सही है। अब खपन बच मर गया तो पता कौन बचेगा? खपन मर गया, बड़ा लॉजिकल सवाल है। सही है। Assalamualaikum guys, welcome back to the another vlog। कैसे हो भाई लोग, सब ठीक हो, खैरियत से हो? काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग वगैरह आज मैं बना रहा हूँ और काफ़ी मसरूफ़ चल रहा था, कुछ ऐसी मसरूफियात थी जो जिसकी वजह से ब्लॉग वगैरह नहीं बना सका था। तो आज मैंने एक दोस्त से मिलने जाना था तो मैंने कहा चलें आज दोबारा आप लोगों को वेलकम बैक करते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज फिर। तो आप लोग साथ ही रहिएगा, स्टे कनेक्ट। अब थोड़ी देर में रेडी शेडी होके मैं निकलता हूँ, उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है आज का। अभी पहुंचे हम लोग फेरियर हॉल पे पहुंच गए हैं और ये मेरे साथ खड़े हुए हैं शारिक भाई। शारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला करम है। अबे सलाम तो कर लें। अबे भाई काफी देर लगा दी आने के अंदर। अबे हाँ वो थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से ट्रैफिक भी आपको तो पता है कराची में कितनी होती है। इनका इनकी बात कर रहा था मैं कि ये इनके साथ मैंने एक दो फूड व्लॉग भी बनाए हैं और आज भी हम लोग आए हुए। आज हम लोग किस हवाले से आए हैं भाई? आज जो हम करने वाले ना वो कॉमन सेंस के सवाल करने वाले हैं लोगों से। अच्छा। तो उसके अंदर तुम्हारी मदद चाहिए कि तुम भी लोगों से सवाल करोगे और देखते हैं कि तुम्हारा भी कॉमन सेंस कैसा है, अच्छा है या नहीं। चलो देखते हैं। अच्छा इनके साथ हमने एक दो फूड व्लॉग भी बनाए, मतलब दो से तीन बनाए। और चैनल कैसा जा रहा है तुम्हारा? बस जबरदस्त जा रहा है और आज देखते हैं कॉमन सेंस के ये सवाल करेंगे। मैं ब्लॉग बनाता रहूंगा और मैं भी हो सकता है कि हिस्सा लूं इनके साथ और कुछ लोगों से सवाल करूं। भाई आज कौन से सवाल करने वाले हैं कॉमन सेंस के? काफी सारे कॉमन सेंस के सवाल आते हैं। चल जैसे कि मैं तुम्हें एक बार बताऊं, आप एक सवाल ये करेंगे 77, 78, 69 इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो इसके अंदर मोस्टली जो है ना लोग गलत जवाब देंगे। हाँ इसमें तो मतलब कि इसका जवाब क्या होगा? ऐसे जवाब तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो अपना भी दिमाग यूज करो इसके अंदर कौन सा आने वाला है। अच्छा। और एक सवाल और बताता हूँ, इसके अंदर जो है ना लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। सवाल कुछ इस तरह से है, अगर एक गधी है उसके दो बच्चे हैं, सही है। एक का नाम है अपन और दूसरे का नाम है खपन। एक का नाम है अपन और दूसरे का नाम है एक का नाम अपन है और दूसरे का नाम है खपन, सही है। अब खपन बच मर गया तो पता कौन बचेगा? खपन मर गया, बड़ा लॉजिकल सवाल है। सही है। ज्यादा लोग बोलेंगे अपन तो भी, अबे तो क्या गधी का बच्चा है। बहुत तेज हो रहा है। चले चले देखते हैं बेस्ट ऑफ लक। कॉमन सेंस का सवाल चल रहा है, देखो भाई कब तक चलता है। सवाल कर लिया था आपने मुझे वीडियो में, तो आपने अलग सवाल बताया उनसे, कुछ अलग कुछ कर लिया होते, कुछ सीक्रेट सवाल होते हैं जो उसको छुपा के रखा जाता है। अरे यार देखो यार, ये शारिक भाई हमारे साथ खेल रहे हैं, ये उधर उन्होंने अलग सवाल बताया और किया अलग सवाल। जो तुम तो सवाल बताए वो भी करेंगे, एकदम मेरे जहन में आ गया था तो मैंने ये सवाल कर लिया। चलो चलो देखते हैं, अभी और कोई बंदे मिल रहे हैं तो उनके साथ करेंगे। स्टार्ट हो गई है वीडियो और एक और लड़का मिल गया है शारिक भाई को, उसके साथ वो बना रहे हैं। ये देखें तो अभी इसके बाद मेरा भी नंबर आएगा कुछ देर में, मैं भी जाके एक दो सवाल करूँगा और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या करना है, पैकअप करते हैं या फिर रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ। तो अभी शारिक भाई ले रहे हैं एक सवाल और कर रहे हैं, इसके बाद हो सकता है मैं करूँ। 77, 78 और 69 में से कौन सा नंबर बड़ा है, शायद ये सवाल मैं करूँगा। तो स्टे कनेक्ट। फैज अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने देखा है तकरीबन यहाँ पे 1 से 2 प्रैंक भी चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये कैमरा लगा हुआ है और ये प्रैंक चल रहा है यहाँ पे, और एक कैमरा ये लगा हुआ इसका प्रैंक भी यहीं चल रहा है कहीं करीब, मतलब 2 कैमरे लगे हैं। तो भाई ये तकरीबन 2 से 3 चल रहे हैं प्रैंक, और देखो अब ये यहाँ पे जहाँ से गुजर रहे हैं हम लोग वहाँ पे प्रैंक वगैरह और कॉमन सेंस के सवाल ही नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे भाई हमारे साथ हैं, इनसे आए मुलाकात करवाता हूँ आपको मैं। अच्छा ये बैक साइड से ही देख सकते हैं आप इनको, फ्रंट इन्होंने मना किया हुआ है कि मुझे फ्रंट से नहीं दिखाना, तो ये फ्रंट से कभी नहीं आएंगे, ये बैक से ही आते हैं। जो तुम सोच रहे हो बहुत फनी सवाल कर रहे हैं, ग्रुप को घेर लिया है।
ये बहुत चलाक चल रहा है, ये जो भी इनको सवाल ऐसा लग रहा है ना कि जो उनके ऊपर आने वाला है उसका जवाब ही नहीं दे रहे और बोल रहे हैं कि हम लोगों को आते ही नहीं। बहुत आना यार, ये लोग ये शातिर लोग हैं भाई, इनको ये बहुत शातिर लोग हैं भाई। क्या हो गया, ये तो गले पर मसा नहीं होता यार व्लॉगिंग के अंदर। चले चलता है ना, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत चलता है यार, बर्दाश्त करना पड़ता है भाई। अगर ये काम कर रहे हैं तो बर्दाश्त भी करना है लाजमी आपने भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। 79 में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? यही सवाल कर रहे हैं अपन वाला, मतलब एक गद्दी है, इसके दो बच्चे हैं, एक अपन और एक खपन। तो ये शारिक भाई, ये क्या सोचा हुआ आपने भाई? भाई यार लोगों से छोटा सा मजाक है यार। मजाक है मतलब ले रहे हैं आप लोगों की, सबकी ले रहे हैं यार। लेने मतलब वाले से वो तफरियां कर लेते हैं, लोगों को हंसा देते हैं। अबे तीन दफा देखा है मैंने, आपने तीन से चार लोगों से वही सवाल किया है। मसला ये कि थोड़ा सा तफरियां करने, एंटरटेन करने लोगों को। सही है, दुनिया में इतना गम चल रहा है तो मैंने कहा थोड़ा सा लोगों को खुशियां दे देता हूं, गम दूर कर रहे हैं। गम दूर कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि जिसके दिल में गम होता है ना, अच्छा, दिल में जो है ना वही लोगों को खुश कर सकता है। शाबाश बेटा। तो भाई ये अपन वाला सीन मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और बिल्कुल जो है ना थोड़ा फनी है, अच्छा है, मगर चलो कर रहे हैं ये तो लोगों की बात है। अभी सवाल आपको परेशान नहीं है यार, मतलब हद है यार। अभी फिर हम लोग मिले एक बंदे से और उससे भी इन्होंने यही सवाल किया यार, शारिक भाई यार ऐसा नहीं करो यार, मुझे गुस्सा आ रहा है यार, अब गुस्सा आ रहा है मुझे, और मैं जो है ना गुस्सा आ रहा है, मैं अब चला जाऊंगा यहाँ से, ऐसा नहीं है तो दुनिया से ही चला जाए। नहीं भाई ये जो है ना सही नहीं है, अब सही नहीं हो रहा है। 77 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 77 में से 78 78 बात जाते हैं 77 79 आते जवाब सवाल, बिल्कुल सही जवाब। कॉमन सेंस के सवालात वगैरह कर रहे थे, और यहाँ पे देखें एक मैं दिखाता हूँ बंदा, शारिक भाई, जो कि यहाँ पे सवाल के जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ा तोहफा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई ये क्या है भाई, क्या कर रहे हो आप ये? माशाल्लाह से यार एक बंदा सवाल कर रहा था तो हमने उसका जवाब दे दिया। अच्छा, उन्होंने हमें भाई ने जो है कुरान पाक जो है ना वो गिफ्ट भी कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह से यार, खास से थोड़ा बहुत हमें इस्लाम की मालूमात है तो उन्होंने जो हमसे सवाल किया तो कुरान पाक जो हमें गिफ्ट करा है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की। तो अच्छा हो गया माशाल्लाह से यार, अच्छा यार, गले मिलो भाई तुम तो। चलो भाई को मैं देख रहा था, शारिक भाई फिर कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, तो देखते हैं इनको क्या कर रहे हैं। ये देखो फिर आ गए हैं यहाँ पे, शारिक भाई अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, पैकअप कर रहे हैं, और मैं भी एंड करता हूँ अभी यहीं पे ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको ब्लॉग, और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मेरा भी ब्लॉग देखिएगा, शारिक भाई का भी ब्लॉग देखिएगा। शारिक खान ब्लॉग के नाम से इनका चैनल है, और इनके साथ मैंने एक दो वीडियोज़ वगैरह फूडी ब्लॉग बनाए भी हैं, वो भी जाके वॉच कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।